जय किसान। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूँ आफ्ताब और आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारे आने का मकसद ही होता है आपको जानकारी देना और आपके मुनाफे को बढ़ाना, आपकी पैदावार को बढ़ाना। ऐसा ही कुछ आज हम फिर सोच कर आए हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं लाह के बारे में। ठीक भाई, अगर लाह की आप खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की योजना पर मंथन। रांची के शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवकों को दिया जाएगा पारावेट प्रशिक्षण। गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा मेघालय। अब समाचार विस्तार से। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें आने वाले दिनों में लागू किए जाने वाले योजना पर चर्चा हुई। इस संदर्भ में बताते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री परविंदर कौशल ने कहा, हमारे यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जितने भी फसलों के वैराइटीज जो ऑलरेडी रिलीज हैं या हम अभी रिलीज करने वाले हैं जल्दी, वो किसानों तक किस तरह पहुँचे ताकि नई वैरायटीज का जो है किसान लगाकर उसमें उत्पादन बढ़ेगा। रांची जिला में ग्राम स्तर पर पशुपालन सेवाएं, टीकाकरण और पशु सर्वे के लिए शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवकों को पारावेट प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। प्रशिक्षण के लिए आवेदक की उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष है। चयन में जीव विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट पास आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से आवेदन विहित प्रपत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर वहीं जमा कर सकते हैं। राज्य के किसान मटर की अगाध खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य समय से पहले बुआई करें। सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक मटर की अगाध बुआई कर दें, ये सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अन्य फसलों की तरह मटर की भी तीन खेती होती है, अगाध, पिछाद और मध्य। अधिकांश किसान मटर की मध्य खेती करते हैं, यानी मुख्य मौसम में मटर की बुआई करते हैं। सभी की फसल लगभग एक समय में ही तैयार होती है। इसमें बाजार में मटर की आवक बढ़ जाती है और उसकी कीमत घट जाती है, जबकि अगाध मटर की बुआई पहले होती है, ये समय से पहले तैयार होता है और बाजार में पहले आता है। बाजार में इसकी आवक बहुत कम होने के कारण ये अधिक मूल्य पर बिकता है, इसलिए राज्य के किसान अगाध की खेती से अधिक मुनाफा कमाएं। इसके लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर के बीच बुआई कर लें। हाँ, अगर हमको लैंड हमको उपलब्ध हो जाए तो सितंबर का एंड में हम शुरुआत कर सकते हैं। हमको अगत मटर की खेती करने के लिए 15 अक्टूबर तक हमको लगा देना चाहिए। उसके बाद तो हमारा नॉर्मल टाइम 15 नवंबर तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अगत के लिए 15 अक्टूबर के पहले हमको उसको स्विंग कर देना चाहिए। राज्य के जो किसान गाजर की खेती करना चाहते हैं वे अक्टूबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा मेघालय, पूसा यमदाग्नी, पूसा केसर, नैंटिस या चैंटनी लगाएं। किसान भाई गाजर की बुआई में 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 10 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 8 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए पूसा मेघालय, पूसा यमदाग्नी, पूसा केसर, नैंटिस या चैंटनी में से कोई एक लगाएं।
इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अगर पॉली हाउस में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पौधों को पानी पटाने के लिए झरने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रो ट्रे में लगे बिचड़ों के पटवन के लिए भी एक कारगर उपकरण माना जाता है। आइए आज जानते हैं मिर्च के फसल में अंडा परजीवियों के रोकथाम के लिए क्या करें। मिर्च फसल में अंडा परजीवी लग जाए तो ये फसल और फसल के मित्र कीटों के लिए बहुत घातक होता है। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल लगाए हुए हैं तो व्यस्क अंडा परजीवियों के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ की दर से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चायबासा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2700 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 7000 रुपए से 7600 रुपए, दाल मसूर 5500 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 7500 रुपए से 8500 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10500 रुपए, चीनी 4200 रुपए से 4500 रुपए, आलू 640 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और लीड कृषि से संबंधित ढेर सारी नई नई जानकारी। जानकारी हम देंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम फौरन वापस आएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लाह के बारे में। अगर आप भी लाह की खेती करना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के काम अगर आप करेंगे तो आपको उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए, है ना। तो प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। तो लाह के प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे होती है, सारा इसका जितना भी खाका है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और हमारे विशेषज्ञ तो जानते ही हैं, आपको बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो सीधा आप सभी को वहीं लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं। किसान भाइयों, झारखंड राज्य में लाह की खेती की असीम संभावनाएं हैं और लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का पूरे भारत में पहला स्थान भी है। पर कभी कभी जानकारी के अभाव में यहाँ के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा लाह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान प्रमुख रूप से किसानों को ला से संबंधित प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में हम लोग बेसिकली तीन तरह का प्रशिक्षण देते हैं। एक किसानों के लिए ट्रेनिंग जो लाख की खेती से संबंधित ट्रेनिंग होती है वो, और दूसरा जो लाख से विभिन्न उत्पाद बनते हैं उसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और तीसरा कुछ जो हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी हम लोग एक सप्ताह से 15 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। तो अगर मैं किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण की बात करूं तो इसमें एक सप्ताह का प्रशिक्षण होता है। एक सप्ताह का प्रशिक्षण जो है हम उसमें हम लोग किसी भी किसान भाई जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, महिलाएं हैं, सब लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम लाख की खेती के बारे में विभिन्न तकनीकी, उसका जो पेस्ट मैनेजमेंट है और उससे जो कटाई छटाई की विधियां वो सब बताते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग एक 2 सप्ताह का जो मास्टर ट्रेनर का प्रोग्राम करते हैं जो नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स के ऊपर होता है, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हमारे प्रसार पदाधिकारी हैं विभिन्न विभागों के या एनजीओ के गवर्नमेंट के, उनको भी हम लोग 2 सप्ताह का प्रशिक्षण देते हैं ताकि हम लोग वो जब हम प्रशिक्षण यहाँ से दें उसके बाद वो अपना जाके खुद प्रशिक्षण दे सकें। इसको हम लोग मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम कहते हैं, और ये प्रोग्राम जनरली हम लोग 2 सप्ताह का देते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग 3 दिन का भी रिफ्रेशर कोर्स एक करते हैं, इसमें जो पुराने हमारे लोग मास्टर ट्रेनर्स या फार्मर्स ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं उसमें हम लोग नई नई जो तकनीकी होती है विशेष रूप से जो उसको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसको हम रिफ्रेशर या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कहते हैं। ये प्रोग्राम 3 दिन का होता है। वैसे तो यहाँ दी जाने वाली शिक्षा का प्रशिक्षण शुल्क सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा ही वाहन की जाती है, पर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण शुल्क किसानों को खुद वाहन करना पड़ता है। किसान भाइयों, आप भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में 1500 रुपए देकर 1 सप्ताह प्रशिक्षण ले सकते हैं। 1 सप्ताह का जो किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं वो हमारा जो कैंपस में होता है हमारे संस्थान के, उसमें 1500 रुपए किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण शुल्क है। और ज़्यादातर जितना भी प्रशिक्षण होता है वो ज़्यादातर NGO या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से स्पॉन्सर्ड होता है। और इसके अलावा अगर कोई किसान भाई अगर व्यक्तिगत रूप से गरीब हैं या ट्राइबल हैं तो उसके लिए हम लोगों ने 500 रुपये शुल्क रखा हुआ है ताकि उनको ज़्यादा मतलब खर्च ना पड़े। तो ये है। और अगर कहीं पे हम लोगों को जैसे कहीं फील्ड में जाके हम लोगों को प्रशिक्षण देना है, वहाँ ज़्यादा लोग एकत्रित हो सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न जगहों पे इवन आसाम और कर्नाटक में भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया हुआ है और हम लोग अभी भी दे रहे हैं। तो हम लोग जाके वहाँ पे उसको प्रशिक्षण देते हैं। बहुत सारे हमारे जो ट्रेनिंग हैं निःशुल्क हैं जो 1 दिन की है, ताकि हम लोग उनको जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग कहते हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले लाख की खेती के बारे में। और इसके अलावा हम लोग जो इन कैंपस जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग जो बाहर से आते हैं तो हम लोग संस्थान में क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा हैं तो हम लोग यहाँ पे म्यूजियम विजिट, फॉर्म विजिट और इस तरह की जो और क्रियाकलाप हैं लाख की खेती से संबंधित हम लोग निःशुल्क भी करते हैं। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में लाख खेती के लिए अपनाए जाने वाले तकनीकी पेस्ट मैनेजमेंट, कटाई छटाई की विधियाँ एवं मास्टर ट्रेनर्स आदि की शिक्षण दी जाती है। लाह उत्पादन के बाद उसके प्रसंस्करण से करीब 24 तरह के उत्पाद बनते हैं जिसका यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई विशेष जानकारी उसको साइंटिफिक मेथड से जो पूरा डिटेल जो वैज्ञानिक विधि है उसमें हम लोग एक महीने तक करीब 30 दिन तक उसका जो है लाख के खेती से संबंधित प्रशिक्षण और 15 दिन तक जो है लाख प्रसंस्करण और उसके वैल्यू एडिशन के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये करीब 45 दिन का प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो हम लोग जो छात्रों के लिए भी विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए भी प्रोग्राम करते हैं जो लाख उसके जो प्रसंस्करण और उसके विभिन्न उपयोग के बारे में 1 सप्ताह का प्रशिक्षण हम लोग छात्रों को देते हैं। और इसके अलावा जो और विभिन्न लाख के अलावा जो विभिन्न नेचुरल रेजिन्स और गम्स हैं उसको भी हम लोग ने ट्रेनिंग में शामिल किया हुआ है। वो 10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग जो अपने ग्रेजुएट छात्रों को देते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग पढ़ के पास हुए हैं, उसमें हम लोग विभिन्न लाख के अलावा विभिन्न और जो नेचुरल रेजिन और गम्स हैं जैसे ग्वार गम हुआ और रोजिन हुआ, कराया गम हुआ, उसमें भी भारत का जैसे ग्वार गम में पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। किसान भाइयों,
ये संस्थान ला से संबंधी हर तरह का प्रशिक्षण देती है, जो कि एक दिन से लेकर 10 दिनों तक का होता है, जिसका प्रशिक्षण शुल्क बहुत ही कम होता है। अगर आप पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो संस्थान द्वारा शुल्क और भी कम कर दिया जाता है। इसके अलावा सरकार भी सब्सिडी देती है, ताकि आप लाह उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। यहाँ आप लाह की खेती से लेकर उससे बनने वाले उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें करीब हमारे 24 उत्पाद हैं अभी, जिस पे हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। जैसे उसमें अगर 3-4 कैटेगरी की बात करें, तो उसमें जो है बहुत सारा जो वार्निश बनता है और पेंट बनता है, जिसका कि जो लकड़ी के ऊपर जो वार्निश होता है हैंडीक्राफ्ट वगैरह में, या हमारे फर्नीचर जो बनता है उसके ऊपर वार्निश बनती है, या जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो मोटर वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके ऊपर जो वार्निश लगाई जाती है, वो भी हम लोग उस उत्पाद डेवलप किए हुए हैं, उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह जो एक फ्रेंच पॉलिश करके है, उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये मतलब ये वार्निश से संबंधित है। इसके अलावा हम लोगों ने जो इंटीरियर पेंट एक डेवलप किया हुआ है लाख से, उसका भी हम लोग प्रशिक्षण शुरू किए हैं। और इसके अलावा जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट कोटिंग, जो फलों के ऊपर हम लोग उसका कुछ फार्मुलेशन डेवलप किए हुए हैं, उसका भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट है एक किन्नो, और इसके अलावा जो अनार होता है उसके ऊपर, और जो एक जो अदरक होती है उसके ऊपर भी हम लोगों ने लाख से संवर्धित फार्मुलेशन तैयार किया है, उसका भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा बहुत से जो सीलिंग वैक्स या एडहेसिव जो हैं, जो जिसमें जो लाख में बहुत ही अच्छा एक गुण है कि ये इसका बहुत ही एडहेसिव पावर बहुत ही अच्छा है, तो ये किसी भी सरफेस पे अच्छे से चिपक जाता है। तो इससे हम लोगों ने जैसे सीलिंग वैक्स, जैसा आप लोग जानते होंगे कि जो पोस्ट ऑफिस में जो सीलिंग वैक्स यूज होती है वो लाख से बनती है, तो उसका भी ट्रेनिंग, और जो एक गैस्केट सेलेक्ट कंपाउंड बनता है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, उसका भी हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। देखा किसान भाई बहन कि कितना आसान है, और आप प्रशिक्षण प्राप्त कर कितना मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए एक जानकारी हम आपको और देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, मैंने पहले ही कहा कि हमारे किसान भाई बहन अब जो है मिश्रित खेती करते हैं। बहुत सारे लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, और इसमें से एक प्रमुख जो है वो मुर्गी पालन है ना, क्योंकि मुर्गी पालन अगर आप करते हैं तो वो आपको महीने में बहुत सारा मुनाफा दे देता है। लेकिन जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में मुर्गियाँ काफ़ी बीमार होती हैं, ऐसे में आपको इसके भी प्रशिक्षण का ज़रूरत है, यानी कि आप पहचान सके कि मुर्गी में कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी लगने वाली है या लग सकती है, तो आप उसका इंतज़ाम पहले से कर लें, है ना। तो चलिए, मुर्गी में कौन कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे लेते हैं ये जानकारी। वातावरण की भूमिका मुर्गियों के विकास के लिए बहुत अहम होती है। मुर्गियों का पालन पोषण उनके क्षेत्र के ही वातावरण में हो, इस उद्देश्य से ICAR के तत्वाधान में अखिल भारतीय मुर्गी शोध परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत मुर्गियों को दूसरे राज्यों से लाकर पालने के बजाय उसी राज्य की मुर्गियों का नस्ल सुधार कर पालन पोषण करने पर बल दिया जाता है। ऐसा करने से मुर्गियों का विकास तथा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। मुर्गी पालन दो तरीके से किया जा सकता है, एक फार्म की मुर्गियों को पालन करना, जिसको कि हम लोग आधुनिक मुर्गी फार्म कहते हैं, और दूसरा, चूंकि झारखंड में आमतौर पर देखा जाता है कि घरों में मुर्गियां रखी जाती हैं, और ग्रामीण परिवेश में भी अगर किसान चाहें तो उसको व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। थोड़े उन्नत नस्ल के जो मुर्गी का विकास किया गया है,
उनको पालन करके। अगर मैं बताऊं कि कौन सी मुर्गियां उनके लिए बेहतर होंगी तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि रांची वेटनरी कॉलेज पशुपालन विश्वविद्यालय रांची जो है वहाँ पे एक अच्छी प्रजाति का विकास किया गया है जिसको झार सिम नाम दिया गया है, झारसिम नाम, और उसको देसी झारखंड की देसी मुर्गी के साथ प्रजनन करा के विकसित किया गया है। उसके उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़िया है, हमारे ग्रामीण किसान उसको व्यावसायिक रूप से पालन कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इन मुर्गियों में देशी मुर्गियों का अंश है इसलिए इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, ये यहाँ के वातावरण के लिए उपयुक्त प्रजाति है। उन्नत नस्ल के जब मुर्गी का आपने चयन कर लिया उसके बाद होता है उसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था। रखरखाव की व्यवस्था में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण एक निर्धारित जगह सुरक्षित जगह बना लें जिसमें कि बाहरी भक्षी पशुओं से अपने मुर्गियों को बचा सकें। ऐसे तो ये सारी मुर्गियाँ काफ़ी हद तक तेज हैं, ये अपने स्वयं रक्षा कर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद रात के समय में इनको सुरक्षित बाड़ा बनाने की आवश्यकता है, एक पर्याप्त जगह देने की आवश्यकता है, जो घर बनाए मुर्गी का किसान भाई उसको हवादार बनाए ताकि साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, उसको शुद्ध हवा मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, और उनको पर्याप्त जगह की अगर हमें बात करूं तो अगर एक किसान 10 मुर्गी उन्नत रखता है तो उसको कम से कम 30 स्क्वायर फीट का कम से कम अंदरूनी जगह रखें, उसको खिलाने के लिए बर्तन हो, साफ़ सुथरा पानी की व्यवस्था हो, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। अब बात आती है कि उनके रखरखाव की, अगर हमारे किसान छोटे चूजों को लाते हैं फार्म से, ब्रीडिंग फार्म से, तो वहाँ से उन चूजों का रखरखाव विशेष रूप से करें ताकि उनको पहले कृत्रिम रूप से ताप देकर ब्रूडिंग किया जाता है और तब करीब करीब 3 से 4 सप्ताह के उम्र तक उनको बड़ा ही नाजुकता से पाली जाती है और उसके बाद वह हम बाहर छोड़ सकते हैं, आंगन में छोड़ सकते हैं और हमारे जो पालन खर्च है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में किसानों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, कुछ खान पान की जानकारियाँ, इस पर विशेष उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में आम तौर पर किसान भाई देशी मुर्गियाँ पालते हैं, इन मुर्गियों में उत्पादन क्षमता कम होती है तथा इनकी बढ़वार भी कम होती है। मुर्गियों की बढ़वार और पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से देसी मुर्गियों की क्रॉसिंग कराकर नई प्रजाति विकसित की गई है झारसिम। हमारे झारखंड की जो देसी मुर्गियां हैं अगर देखा जाए तो उनकी भी उत्पादन क्षमता कम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी उसमें खूबी है कि वह अपना चूजों को स्वनिर्माण कर पाती हैं, अंडे को सह पाती हैं, यह उनमें एक खासियत है जो कि हमारे उन्नत नस्ल में अधिकतर नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को यही ध्यान देना है कि हमारी देसी जो मुर्गियां हैं उनको समयबद्ध टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि रोग बीमारी आती है उसके चलते काफ़ी संख्या में हताहत हो जाते हैं, किसान हमारे दुखी हो जाते हैं, और उनको उत्पादन के आधार पर थोड़ा खान पान, थोड़ा इंक्रीमेंट फीडिंग की आवश्यकता होती है। जब मुर्गी अंडा देने की स्थिति में आ रही है उसको थोड़ा सा उन्नत आहार व्यवस्था करें, थोड़ी प्रोटीन युक्त आहार दें, उनको कैल्शियम दें, इस तरह की छोटी छोटी बारीकियों पे अगर किसान ध्यान दें, स्वास्थ्य प्रबंधन करें, रोग के बीमारी से बचाने के उपाय अपनाएं, तो वह देसी मुर्गी से भी काफ़ी बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अखिल भारतीय मुर्गी शोध परियोजना की ये देन झारसिम झारखंड के परिवेश में काफी लाभप्रद मानी जा रही है। यहाँ के किसान इसका पालन पोषण कर न सिर्फ आमदनी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि इसका उपयोग कर अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में व्यवसायिक मुर्गी पालन के लिए जो मुख्य बिंदु है, अच्छे प्रजाति के मुर्गियों को रखें, रखरखाव की उन्नत व्यवस्था करें, खान पान का संतुलित व्यवस्था करने का प्रयास करें, और रोग में मात्र 2 या 3 ऐसी बीमारियां हैं जैसे रानी खेत रोग के लिए टीकाकरण जो कि पहले सप्ताह में और उसके बाद 3रे सप्ताह में और उसके बाद 7वें से 8वें सप्ताह में रानी खेत का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि अधिकतर मुर्गियों में जो मृत्यु की संभावना होती है वो रानी खेत रोग से होती है। उसके अलावा कृमि रोग नियंत्रण, चेचक रोग नियंत्रण और
हमारे जो परजीवी रोग हैं उसके नियंत्रण, इन छोटी छोटी बातों पे स्वास्थ्य प्रबंधन अगर करते हैं किसान तो अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। देखा किसान भाइयों कि भाई अगर आप मुर्गी पालन करेंगे या कर रहे हैं तो इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। अगर आप जानकारी आपको मिल गई है तो अब आपका फर्ज यह है कि हमारे बताए गए रास्ते पर आप चलें और मुर्गियों की बीमारियों से बचाएं, उनके रोगों का रोकथाम करें और मुर्गी आपकी स्वस्थ रहेगी तो काफ़ी मुनाफा भी देके जाएगी। चलिए अब यहाँ पर मुझे और बकबक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले अंक की भी तैयारी करनी है ना, तो मुझे दीजिए विदा। लेकिन जाने से पहले आप कॉपी और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।